आ रही एक और ब्रेकिंग न्यूज का जिक्र करेंगे। शपथ लेने वाले विधायकों के नाम अब सामने आने लगे हैं। शपथ लेने के लिए विधायकों को फोन भी जाने लगे हैं। अनिल विज को फोन गया है, 7 बार लगातार विधायक चुनकर आए हैं। राव नरबीर जो अपनी जीत को लेकर पहले ही कॉन्फिडेंट थे और लगातार इस बात को कहते रहे थे कि मैं जीत कर आऊंगा ही आऊंगा, वो भी शपथ लेंगे। कृष्णलाल पवार, कृष्ण बेदी भी शपथ लेंगे। रणबीर गंगवा को भी फोन गया है। महिपाल ढांडा को भी फोन गया है शपथ लेने के लिए। श्याम सिंह राणा को भी फोन गया है। विपुल गोयल को भी फोन गया है। श्रुति चौधरी, आरती राव भी मंत्री बनाई जाएंगी। देखिए, 2 महिला मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं, 2 विधायकों के नाम सामने आ रहे हैं। गौरव गौतम को भी कॉल गया है। ये संभावित नाम जो अभी तक बताए जा रहे थे वो अब कंफर्म हो गए हैं। नेटवर्क 18 पर आप सबसे पहले ये नाम देख रहे हैं जो कि हरियाणा मंत्रिमंडल के सैनी सरकार 2.0 के अहम हिस्सा होने वाले हैं। अब ये जो नाम सामने आए, इसमें देखिए जातियों को भी टारगेट किया गया होगा, पावर बैलेंस करने की कोशिश की गई होगी, कास्ट इक्वेशन को देखा गया होगा, रीजन देखा गया होगा और महिला फैक्टर जो है, क्योंकि महिलाओं को लेकर भी बीजेपी अक्सर आपने देखा है कि योजनाओं के जरिए आधी आबादी तक के दिलों तक पहुंचने की कोशिश करती है। तो 2 महिलाओं के भी नाम सामने आ रहे हैं। फिलहाल बीजेपी के पास दलित समुदाय से 9 विधायक हैं, 8 पंजाबी मूल के हैं, 7 ब्राह्मण हैं। जाटों और यादवों में से भी अगर बात करें तो 6 विधायक हैं जाटों और विधायकों, जाटों और यादवों के भी। पार्टी के पास गुर्जर वोट विधायक भी हैं, राजपूत भी हैं, वैश्य भी हैं, ओबीसी नेता भी हैं। अब ऐसे में अगर आप अनिल विज को देखें तो पंजाबी चेहरा है और महिला फैक्टर भी आपने देख ही लिया है। विपुल गोयल को देखें तो बनिया समाज से हैं। श्याम सिंह राणा अगर देखा जाए तो राजपूत समाज को टारगेट करने की कोशिश की गई है। गौरव गौतम को भी कॉल गया है। तो पावर बैलेंस जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे थे, ये कास्ट इक्वेशन, रीजन फैक्टर सब कुछ देखने को मिल रहा है इन नामों में। लेकिन आगे कौन से नाम होंगे, क्या ये लिस्ट बड़ी होगी, क्योंकि 14 मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मिलाकर मंत्रिमंडल में 14 लोगों को जगह मिलनी है। क्या कुछ ऐसी भी पोस्ट होंगी जो खाली रखी जाएंगी, मंत्रियों का पद जो है वो खाली रखा जाएगा, जिससे कि किसी भी तरह की कोई अगर नाराजगी हो तो उसे बाद में बैलेंस किया जा सके। लेकिन ये जो नाम सामने आए हैं, इन नामों में कौन से और नाम जुड़ेंगे, क्योंकि कॉल्स अभी जानी ही शुरू हुई हैं। ये वो नाम है जिनको कॉल्स जा चुकी हैं और इनमें से ज्यादातर नाम आपको न्यूज 18 पर बताए जा चुके थे। हम पिछले एक हफ्ते से लगातार आपको बता रहे हैं कि यही वो नाम है जिन पर मुहर लग सकती है। सहयोगी अंकित उदानी ने भी आपको बार बार बताया, अनिल विज 7 बार से लगातार विधायक चुनकर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री की दावेदारी भी इन्होंने पेश की थी। जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो नाराजगी भी इनको देखने को मिली थी, यहां तक कि अमित शाह को आना पड़ा और अमित शाह की मौजूदगी का असर ये रहा कि अनिल विज ही प्रस्तावक बनकर नायब सिंह सैनी के कल उभरे। राव नरबीर शपथ लेंगे, बहुत कॉन्फिडेंट, शुरू से ही कॉन्फिडेंट थे अपनी जीत को लेकर। कृष्णलाल पवार को भी हम देखेंगे कि वो शपथ लेते दिखाई देंगे, कृष्ण बेदी भी शपथ लेते हुए दिखाई देंगे, आरती राव का नाम भी सामने आ रहा है और श्याम सिंह राणा और विपुल गोयल भी शपथ लेंगे, श्रुति चौधरी भी शपथ लेंगी, गौरव गौतम भी शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। समझिए, लगातार हरियाणा में बीजेपी की 3री बार जीत हुई है और सबकी निगाहें नई सरकार और कैबिनेट के गठन पर टिकी हुई थी। ये वो नाम है जो अब तक सामने आए हैं। अनिल विज को मंत्री पद दिया जा सकता है। बीजेपी जाटों, ब्राह्मणों, पंजाबी और दलित सहित राज्य की विभिन्न जातियों को ध्यान में रखकर कैबिनेट का गठन करेगी, ये हम बार बार जिक्र कर रहे थे। जातिगत समीकरणों, समुदायों की मांगों को संतुलित करने हुए सरकार बनाना कोई आसान काम जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए नहीं रहा होगा। ये चैलेंजिंग जरूर थोड़ा सा रहा होगा। अब अगर आप थोड़ा थोड़ा करके समझने की कोशिश करें तो 2 दलित नेताओं में से एक को जगह मिलने की जानकारी निकलकर सामने आ रही थी और इसमें भाजपा के, क्योंकि 9 दलित नेता हैं, 9 दलित विधायक हैं दरअसल, तो किस किस को जगह दी जानी थी इस पर लगातार संशय बरकरार था और कृष्ण मीढ़ा को क्या जगह मिलेगी इस पर सस्पेंस बना हुआ था। जींद के विधायक कृष्ण मीढ़ा हैं इस रेस में, जिन्होंने लगातार 3री बार अपनी सीट जीती है। एक और बार के विधायक यमुनानगर से घनश्याम दास अरोड़ा हैं। सवाल ये भी उठ रहे थे कि क्या उन्हें जगह दी जा सकती है इन चेहरों के अलावा। फिर ब्राह्मणों का अगर नंबर की बात करें तो वल्लभगढ़ से 3 बार के विधायक मूलचंद शर्मा का नाम शामिल था और लोकसभा के सांसद रहे हैं 2 बार के, अरविंद शर्मा का भी नाम शामिल था। अब देखिए, हम बात कर रहे थे कि राम कुमार गौतम जो कि सफीदों से हैं, 2 बड़े चेहरे जिन्हें कॉल नहीं गया और गौरव गौतम का जिक्र हो रहा है, ये वो संभावित नाम हम आपको बता रहे हैं जो कि लगातार नई सरकार के साथ खड़े होते दिखाई दे सकते हैं। लेकिन ये वो कंफर्म नाम थे जो अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया, जो मंत्रिमंडल का चेहरा हिस्सा होंगे ही होंगे।